लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही अटकलों के बीच भोपाल दौरे पर आए पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को 7 माह बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। लंबे समय बाद सिंधिया पीसीसी पहुंचे, ऐसे में उनसे मिलने प्रदेश भर के कार्यकर्ता भोपाल में नजर आए। जैसे ही सिंधिया कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, उनके समर्थकों के बीच मिलने के लिए धक्का मुक्की शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की भीड़ ने सिंधिया से मिलने के लिए हंगामा कर दिया और पीसीसी दफ्तर में दूसरी मंजिल की मीटिंग हॉल में एक गेट भी टूट गया। इस दौरान काफी गहमा गहमी भी देखने को मिली। इससे पहले सिंधिया का पीसीसी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, उन पर फूलों की बरसात की गई। ज्ञात हो कि 7 महीने बाद पीसीसी आए सिंधिया राजनीति में अपने कद का एहसास अपनों और विरोधियों को करा गए। उनके दौरे के दौरान सियासत के गंभीर क्षण भी थे और शादी ब्याह टी पार्टी और डिनर का जायका लेते फुर्सत के हल्के फुल्के पल भी। मगर सीधा संवाद करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तीर से कई निशाने साधते हुए विदिशा के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए और इसलिए जब हमने भोपाल में उसी तरह कभी हमें आज ये कार्यकर्ताओं के साथ संवाद चला है। प्रदेश भर से जो लोग आए थे उनकी बात परेशानी है, उनकी दरखास्त को सरकार के पास पहुँचा हुआ है, ये हमारी सुनकर इससे आपकी मुलाकात हुई आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने या राज्यसभा जाने के अटकले में? मैंने सदैव आपको कुर्सी के दौड़ में नहीं था, आपने स्वयं देख दिया है 2018 के दिसंबर में जो निर्णय मैंने मेरी सदैव ये सोच रही है कि जनसेवा के रास्ते पे हम लोग चले, राजनीति केवल एक माध्यम नहीं चाहिए, उस लक्ष्य की पूर्ति करनी चाहिए, वही मेरी सोच और विचार सदैव रही है, आज भी है। तो सरकार में सुनवाई हो पा रही है क्या कार्यकर्ताओं की, क्योंकि बाबरिया जी को भी शिकायत हुई थी कि मंत्री सुनने में किसी टिप्पणी पर मैं कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ। मेरी कोशिश यही है कि जो कार्यकर्ताओं की बात हो वो सरकार तक हम लोग पहुंचा पाए। जाकिर नाइक को लेकर दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी पर कभी मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं इतना ही कहूंगा कि जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, ये सदैव एक अमन चैन का प्रदेश रहा है और उसी एक अमन चैन के मंदिर के रूप में मैं मध्य प्रदेश को सदैव रखा हूँ। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।